तो आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इस मूवी के अंदर भाई साहब एक मर्द जो कि अपनी बीवी से बहुत ही ज्यादा प्यार करता है, पर उसको नहीं मालूम उसकी बीवी का एक बहुत ही बड़ा डार्क सीक्रेट जो कि उसने अपने पति से काफी सालों तक छुपाया, पर जैसे ही वो सीक्रेट बाहर आया सबकी चामुत गई। अगर मेरे बैकग्राउंड में आपको नॉइस आ रही होगी तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि आज है दिवाली। आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली। आप खुश रहे, आपके घर वाले खुश रहे, ऐसी मेरी कामना है। तो आज के लिए बैकग्राउंड नॉइस को करना इग्नोर और मेरी बातों में करना कॉल। तो मूवी स्टार्ट होती है जहां पर हमको ये दो मर्द दिखाए जाते हैं जो कि पड़ोस में ही रहते हैं और काफी अच्छे दोस्त भी होते हैं। इन महाशय का नाम होता है सबसी, इन भाई साहब का नाम होता है रमेश। दोनों ही शादीशुदा है पर दोनों की लाइफ के एन लगे पड़े हैं। रमेश की समस्या ये है कि उसके बच्चे नहीं हो रहे, और इसके जस्ट अपोजिट सबसी की समस्या ये है कि बच्चे होने के बाद उसकी बीवी मरीन ने उसको भाव और वो चीज देना बंद कर दिया है, इसलिए सबसी बहुत ही ज्यादा परेशान है। पर सबसी यहाँ पर हमारे सीधे साधे रमेश को एक बहुत ही भद्दी बात या फिर कहो एक नॉर्मल बात बताता है। वो आपको जज करना होगा कि वो नॉर्मल है या भद्दी। सबसी यहाँ पर बताता है कि मेरी जो बीवी है ना, वो बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लेती मेरे साथ अब अक्कुम बक्कुम करने में। वो बिना कपड़ों के सो जाती है बस, और फिर मेरा मन करता है तो मैं पता क्या करता हूँ, मैं अपना अंडेला चला देता हूँ उसके ऊपर और अपना प्रोटीन उसके ऊपर गिरा देता हूँ। तो रमेश को ये बात सुनकर काफी अजीब लगता है कि छी तो ये सब चीजें करता है, पर सबसी के लिए ये चीज एक नॉर्मल चीज है, क्योंकि सबसी यहाँ पर ये रीजन देता है कि देख मुझे अक्कुम बक्कुम चाहिए, मैं चाहूँ तो चीटिंग कर सकता हूँ पर मैं नहीं करूंगा क्योंकि मैं अपनी बीवी से प्यार करता हूँ। अब अगर मैं ये चीज कर रहा हूँ तो मैं अपनी बीवी को ही लेकर कर रहा हूँ ना, कोई क्राइम तो कर नहीं रहा। सबसी का ऐसा मानना है, बाकी आपको क्या मानना है आप कमेंट बता सकते हो। अब जैसे ये दोनों एक दूसरे को अपनी सब बातें बताते हैं, वैसे इन दोनों की बीवी एक दूसरे के सीक्रेट जानती है। ऑर्डर यहाँ पर बहुत ही बड़ा सीक्रेट बताती है मरीम को, जो कि होता है कि जब वो कॉलेज में थी तो एक बार वो प्रेग्नेंट हो गई थी, यानी कि उसका बटूरा फूल गया था। अब उसको उस बटूरे का रिजल्ट नहीं चाहिए था, तो उसने वही किया जो कि हर एक लड़की करती है, उस नन्ही सी जान को इस दुनिया में आने ही नहीं दिया। पर हमारे सीधे साधे रमेश को ये बात नहीं मालूम कि उसकी बीवी ने इतना बड़ा सीक्रेट उसे छुपाया। पर ये वो सीक्रेट नहीं है जो कि तुम लोग समझ रहे हो, जिसके बारे में मैं शुरू में बात कर रहा था। नहीं, वो सीक्रेट कुछ ज्यादा ही वाइल्ड था, समझ रहे हो, जो कि तुमको आगे मालूम चलेगा। और हाँ, फिर से बता देता हूँ, रमेश की बीवी का नाम होता है ऑड्रा और सबसी की बीवी का नाम होता है मरीन। अब जहाँ पर एक साइड सबसी और मरीन के बीच बिल्कुल भी अक्कुम बक्कुम नहीं हो रहा था, वहीं दूसरी साइड ऑड्रा और रमेश लगे पड़े थे लह तेरी हर समय अक्कुम बक्कुम करते थे, क्यों, बच्चा पाने के लिए बस। ऑड्रा अपना काम कर रही होती कि तभी उसके पास एक लड़की का मैसेज आता है। ऑड्रा ये बात बताती है रमेश को, कहती है रमेश मेरी एक कॉलेज फ्रेंड ने मुझको मैसेज किया काफी सालों बाद। तो रमेश कहता है तो क्या कह रही है वो। तो ऑड्रा कहती है कि यार मेरी एक दोस्त थी कॉलेज में, मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, मेरी उससे लड़ाई हो गई थी, फिर उसके बाद मैंने उससे कभी भी बात नहीं करी, ब्ला ब्ला ब्ला। वो अब कह रही है कि वो मेरे शहर आ रही है और वो मुझसे मिलना चाहती है, मैं क्या करूं। तो रमेश कहता है अगर तुम्हें मिलना है तो उसको बुला लो अपने घर में। तो ऑड्रा कहती है अरे नहीं नहीं नहीं, वो बहुत ही तेज लड़की है, समझ रहे हो, जितनी रफ्तार से गोली चलती है ना वो उतनी रफ्तार से लड़के बदलती है, वो काफी एक्सट्रीम लड़की है, वो कभी भी कुछ भी कर सकती है, समझ रहे हो, कुछ भी। तो रमेश कहता है ठीक है मत बुलाओ। पर अगले दिन हमारी ऑर्डर का माइंडसेट पता लग गया, वो कहती है यार जब वो आगे से हाथ बढ़ा रही है तो मैं क्यों रूड हूँ उसके साथ, उसको बुला लेते हैं अपने घर। तो रमेश कहता है ठीक है बुला लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऑर्डर यहाँ पर उस लड़की को मैसेज कर देती है और उस लड़की का नाम होता है हॉली। मैं चाहती हूँ तुम मेरे घर आ जाओ, हम लोग बातचीत करेंगे, गप्पे लड़ाएंगे। पर ऑर्डर ना किसी बात को लेकर बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस फील कर रही थी, वो बात हॉली की ही थी, जो कि ऑर्डर अपने पति रमेश को रात के 2 बजे बताती है। कहती है देखो रमेश मुझे तुम्हें कुछ बहुत ही ज्यादा सीरियस बात बतानी है जो कि हॉली को लेकर है। दरअसल बात कुछ ऐसी है कि जब मैं कॉलेज में थी ना तो मैं बहुत ही ज्यादा चुलबुली टाइप की लड़की थी, मेरे अंदर बहुत सारे सवाल थे, तो मैंने ना हम दोनों ने अपनी अपनी कैची बनाकर कर लिया सब कुछ जो करना था। तो रमेश भी लाइक क्या, यानी कि रमेश का ये बात सुनकर दिमाग हड़बड़ा गया था कि क्या कह रही है ये लड़की, यार इसको तो मैं समझता था कि मैं इसके बारे में सब जानता हूँ, इसने इतना बड़ा सीक्रेट छुपाया। रमेश कहता है तुमने कितनी बार किया, एक बार गलती से हो गया होगा। तो ऑर्डर कहती है एक बार नहीं 4-5 बार हुआ है। तो रमेश को और बुरा लगता है कि 20 साल पूरा मजे तो इसी ने किए हैं, मैं एक सीधा बना फिर रहा हूँ बस दुनिया में। तो ऑर्डर कहती है एक काम करते हैं, मैं हॉली को मना कर देती हूँ मेरे घर में आना। तो रमेश कहता है नहीं मेरी वजह से तुम उसको मना नहीं करो, तुम्हारे मन में अब तो कुछ नहीं है ना उसके लिए। तो ऑर्डर कहती है ऑफकोर्स नहीं यार, मैंने तुमसे शादी करी है, मैं उसके लिए क्यों सोचूं,
पूछूंगी। तो रमेश कहता है ठीक है फिर उसको बुला लो। अब रमेश सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाता है और वो सारी चीजें बता देता है सबसी को। अब सबसी से हम लोग क्या ही उम्मीद रखेंगे, जो इंसान अपनी सोती हुई बीवी के ऊपर अपने प्रोटीन का छिड़काव कर दे वो क्या सलाह देगा। वो यहाँ पर पता क्या सलाह देता है कि एक काम कर, देख जैसे तूने बताया कि होली कितनी खुले मिजाज की है, तो एक काम कर ना, तू होली और अपनी बीवी के साथ क्यों ना तीन की तिगड़ी बनाकर अक्कुम अक्कुम कर। देख ऐसा मौका ना किस्मत वालों को भी नहीं मिलता, तुझे मिल रहा है, समझ रहा है तू, कट रहा है। पर रमेश कहता है पागल है क्या, मैं तेरी ऐसी गंदी सोच वाला नहीं हूँ जो मैं ये सब करूंगा, ना मेरे मन में कभी ऐसा कुछ आता है। ठीक है तू अपनी चाह मुदा, अपनी सोच अपने ही पास रख। वो रात में भी रमेश के पीछे पड़ जाता है कि देख रमेश तू अगर असली मर्द है ना तो ये मौका नहीं खो सकता। अबे बहुत नसीब वालों को ये मौका मिलता है समझा, तेरी अक्कुम अक्कुम की लाइफ वैसे भी बोरिंग है, बच्चा हो नहीं रहा है, तो कुछ इंजॉय कर लाइफ में, क्या कर रहा है। और आखिरकार वो उसको 10 उल्टी सीधी बात बताकर इस बात के लिए कन्विंस कर लेता है कि हाँ तीन की तिगड़ी बनाकर अक्कुम अक्कुम करने का एक अलग ही मजा है। और अब रमेश जैसे ही अगले दिन उठता है उसके दिमाग में यही चल रहा होता है। अब वो क्या देखता है कि उसकी बीवी ऑड्रा बाथरूम है, और उसकी बीवी ऑड्रा बाथरूम में तभी शावर लेती है सुबह सुबह जब वो स्ट्रेस फील कर रही हो। वो पूछता है कि तुम्हें किस बात का स्ट्रेस है, तो ऑर्डर कहती है वही यार होली आ रही है आज और वो बहुत ही ज्यादा अलग है यार, और हम लोगों के बीच काफी चीजें खराब हुई हैं पहले, और मैंने उसके साथ किया भी अक्कुम अक्कुम तो थोड़ा अजीब लग रहा है। पर रमेश कहता है यार कोई बात नहीं सब कुछ ठीक होगा। तभी यहाँ पर बजती है बेल। अब ऑर्डर तो यहाँ पर नर्वस अवस्था में शावर ले रही है, तो दरवाजा कौन खोलेगा, रमेश। अब रमेश जैसे ही दरवाजा खोलता है रमेश की आंखें इतनी भयंकर फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि वो क्या देखता है कि उसके सामने साक्षात होली है जो कि ऐसे कपड़े पहने होती है कि जो उसके अनमोल रत्नों के बटन्स हैं वो साफ साफ शो हो रहे होते हैं। और रमेश के नीचे हरकत हो जाती है क्योंकि जैसा उसने होली के बारे में सुना था होली सेम टू सेम वही होती है। और वो रमेश की यहाँ पर काफी तारीफ भी करती है कि तुम काफी अच्छे हो, काफी स्मार्ट हो, काफी गुड लुकिंग हो, मुझे पता था कि ऑड्रा ऐसा ही लड़का चुनेगी, मैं चाहती हूँ कि मैं शावर लूँ, थोड़ा आराम कर लूँ और फिर मैं नीचे आऊँ। तो रमेश कहता हाँ ओके। अब रमेश के अंदर ना ये बात सबसी ने बैठा दी थी कि तीन की तिगड़ी बनाकर अक्कुम बक्कुम करने का जो मजा है वो साक्षात स्वर्ग जैसा मजा है, और वैसे भी होली की हेडलाइट देखकर उसके अंदर का जानवर जाग चुका है और वो तीन की तिगड़ी बनाकर अक्कुम बक्कुम करने वाली बात सबसी की मान चुका है। अब दोनों ही ब्रेकफास्ट बनाकर होली का इंतजार कर रहे होते, पर होली भी लाइक कुंभकर्ण की अम्मा की तरह सो रही होती है। ऑड्रा उसको देखने जाती है। अब ऑड्रा जैसे ही होली को देखती है उसको होली के कुछ ऐसे अंग दिख जाते हैं जिनको देखने के बाद ऑड्रा के अंदर का जानवर चाक जाता है। अब वो होली के साथ तो कुछ नहीं करने वाली, तो वो रमेश के ऊपर ही चढ़ने लगती है। तो रमेश कहता है भैया कंट्रोल करो, घर में मेहमान है, क्या मैसेज जाएगा उसके दिमाग में। तो ऑड्रा फिर यहाँ पर कंट्रोल करती है, मतलब ऑड्रा ना बहुत ज्यादा परेशान सी दिख रही थी। अब सुबह के 7 से सीधा 7:30 हो जाते हैं, वो भी शाम के। और यहाँ पर ऑड्रा हिम्मत करके होली को उठाने जाती है। वो कहती है कि तुमने सुबह का नाश्ता तो नहीं किया, अब रात का डिनर तो कर लो। तब होली नीचे आकर यहाँ पर डिनर करती है। पर रमेश भाई साहब के दिमाग में क्या चल रहा है, तीन की तिगड़ी। वो यहाँ पर सोचता है कि ये लोग ना कुछ ज्यादा एम्बैरेसिंग फील कर रहा है, तो मैं बोल देता हूँ कि मुझे पता है कि तुम लोगों ने पहले क्या किया था। भाई साहब होली से बोल भी देते हैं कि होली देखो मुझको पता है कि कॉलेज में तुमने मेरी बीवी ऑड्रा के साथ कैची कैची खेला। तो ऑड्रा कहती है तुम क्या बात कर रहे हो। तो रमेश कहता है देखो मेरे अंदर बात थी, मैंने बताती, बस बात खत्म। अब रमेश ये सब इसलिए कर रहा था क्योंकि वो इन दोनों को ही उस पॉइंट में लाना चाह रहा था कि लोग तीन की तिगड़ी बनाकर अक्कुम अक्कुम करने के लिए राजी हो जाएं। अगर होली अपने बारे में कुछ गलत भी बोलेगी ना तो रमेश उसको सही करेगा। जैसे होली बोलेगी कि मैंने काफी लड़कों के साथ अक्कुम अक्कुम किया और अब मैं सोच रही हूँ कि मैं ये सब नहीं करूँ। तो रमेश बोलेगा अरे ऐसा क्यों, तुम्हारी लाइफ है, एंजॉय करो यार, कुछ नया ट्राई करो। समझ रहे हो कि रमेश कैसी कैसी बातें कर रहा है। अब फिर से होली कहती है कि मैं ना लड़कों से अच्छे से बात करती हूँ और वो लोग सोचते हैं कि मैं उनके साथ अक्कुम अक्कुम करना चाहती हूँ, ऐसे लड़के तो मुझे बेवकूफ लगते हैं, लेकिन कभी कभी मैं उनके साथ भी कर लेती हूँ। तो रमेश कहता है बड़ी बागड़ बिल्ली टाइप की लड़की है भी, कभी कुछ कभी कुछ। होली यहाँ पर अपना प्रोडक्ट भी दिखाती है इनको। होली ना कॉलेज लाइफ में बहुत ज्यादा फूफू करती थी और बाबा जी की बूटी पीती थी, और उसने अपना बिजनेस भी कुछ ऐसा ही स्टार्ट किया। वो ना बाबा जी की बूटी से कुकीज और केक वगैरह बनाती है। और रमेश कहते हैं वाह ये तो काफी बढ़िया चीज लगती है, क्योंकि रमेश के दिमाग में क्या चल रहा है, तीन की तिगड़ी बनाकर अक्कुम अक्कुम। और जब उसको होली दिखती है ना तो वो उससे डायरेक्ट कहता है कि होली देखो मेरी और ऑड्रा की अक्कुम अक्कुम वाली लाइफ बहुत ही ज्यादा ऊपर नीचे है, कभी मजा आता है कभी नहीं आता है, मैं ना ऑनेस्ट रहना चाहता हूँ तुम्हारे सामने, मेरे दिमाग में ना काफी अजीब अजीब ख्याल आ रहे हैं। तो होली कहती है बताओ ना क्या ख्याल आ रहे हैं। तो रमेश यहाँ पर पूरे ब्रह्मांड की हिम्मत जुटाकर कहता है कि मैं सोचता हूँ कि
मुझे तुम्हें और मेरी पीवी ऑट्रा को मिलके अक्कुम अक्कुम करना चाहिए। तो ऑट्रा कहती है, अरे ये तो मुझसे भी ज्यादा तेज निकला। पर चौंकने वाली बात ये थी कि हॉली यहाँ पर मान जाती है। हॉली कहती है, हाँ ट्राई कर सकते हैं, पर तुम्हारी बीवी ऑट्रा को कौन मनाएगा। तभी यहाँ पर ऑट्रा आती है और हॉली यहाँ पर डायरेक्ट बोल देती है ऑट्रा से, रमेश ने तीन की टेढ़ी बनाकर अक्कुम अक्कुम वाली बात बोली है मुझसे। देखो मैं तो राजी हूँ, रमेश भी राजी है, तुम अपना बताओ क्या है। तो ऑट्रा को एकदम 440 वोल्ट का झटका लगता कि बीसी ये क्या बात कर रहे हैं ये लोग। हॉली तो ठीक है पगली है, पर मेरे पति को क्या हो गया, ये सबसी ने इसको भी एफसी बना दिया क्या। अब रमेश यहाँ पर ऑर्डर को समझाता है कि यार मेरे मन में था तो मैंने बोल दिया, ठीक है, और मुझे नहीं लगता इसमें कुछ गलत है, तुमने उसके साथ पहले भी तो 3-4 बार किया है गलती से, तो अगर हम एंजॉय कर लेंगे तो क्या दिक्कत है। तो पहले तो ऑर्डर नहीं मानती, पर आखिर में ऑर्डर थोड़ा सिग्नल देती है कि हाँ वो भी राजी है। अब ऑर्डर यहाँ पर हॉली की बाबा जी की बूटी वाली कुकीज खाती है और हाई हो जाती है, और इन तीनों का ही माहौल भयंकर तरीके से गर्म हो जाता है। और अब ये तीनों ही कुछ भयंकर वाइल्ड वाली चीजें करने ही वाले थे कि तभी यहाँ पर आती है मरीन। मरीन कहती है कि मैं अपने पति सबसी की चाह मौत दूंगी। सारा लहन का बोड़ा सोते हुए मेरी बॉडी पर अपना प्रोटीन डाल देता है, इसकी माँ का प्रोटीन नाली में बहाऊं, इतनी गंदी हरकत कोई कैसे कर सकता है। तभी यहाँ पर सबसी आता है। सबसी कहता है, ऐसा है मैंने कोई बहुत गंदा काम नहीं कर दिया, ठीक है, बच्चे होने के बाद तुम तो बिल्कुल भाव नहीं देती हो ना देती हो, तुम क्या करूंगा, चीटिंग तो मैंने करी नहीं है तुम्हारे साथ, जो भी किया तुम्हारे साथ ही की। तो मरीन कहती है, तुम मुझसे बात तो करता कि तुझे क्या चाहिए। तो सबसी कहता है, मैंने कितनी तो बात करी तेरे से, तुझे पर चाहिए नहीं है अक्कुम अक्कुम, पर मेरा खिलाड़ी तो अभी भी तैयार है ना खेलने के लिए, उसका क्या करूं। पर मरीन यहां पर बिल्कुल नहीं सुनती। मरीन कहती है, सबसी तू है सबसे बड़ा हपसी, मुझे तुझसे डिवोर्स चाहिए। और ये दोनों ही यहां से चले जाते हैं। अब इन तीनों का मूड खराब हो चुका था कि ये क्या पंचायत फैला के रख दी इन लोगों ने, अच्छा खासा मूड हो रहा था, बॉडी ने भी हीट पकड़ ली थी, काम होने वाला था। पर रमेश और हॉली से सब चीजों को नॉर्मलाइज करने की कोशिश करते हैं, फिर से वो गर्मा गर्मी वाली बातें करते हैं, अपनी पुरानी यादों को ताजा करते हैं, कह रहे हैं कि एक छोटी सी जिंदगी है, जी लेंगे इस पल में। और इसके बाद ये तीनों ही दिखते हैं बिस्तर में, और फाइनली इन तीनों का ही तबाह कर भयंकर वाला अक्कुम बक्कुम हो जाता है। और रमेश के चेहरे में वो जोकर वाली एकदम लंबी नुकीली वाली स्माइल थी कि वाह चरम सुख हो तो ऐसा, नहीं तो वापस कर दिया जाए पैसा। पर ऑर्डरा अभी भी परेशान थे किसी बात को लेकर। ऑर्डर रमेश को बताती है कि जो हॉली है ना, उसके साथ मैंने 3-4 बार गलती से अक्कुम बक्कुम नहीं किया, हम लोग प्रॉपर रिलेशनशिप में थे, और मैं हॉली से एकदम फूका हुआ भयंकर वाला प्यार, तो इस लहन की बोली ने मुझको धोखा दिया और दूसरे लड़कों को अपने साथ अक्कुम बक्कुम करने का मौका दिया, उसी दिन से मेरी और इसकी दोस्ती टूट गई थी। और ये बात सुनकर रमेश के दिल में छुरिया नहीं पूरा का पूरा जेसीबी का बुलडोजर चल जाता, क्योंकि उसको लग रहा था कि इन दोनों ही महिलाओं ने गलती से कॉलेज में अक्कुम अक्कुम किया होगा, वो 3-4 बार हो गया, सिर्फ मजे के लिए किया होगा। उसको क्या मालूम था कि ये लोग रिलेशनशिप में थे, प्रॉपर प्यार करते थे एक दूसरे से, और 4-5 बार नहीं हुआ था, 4-5 हज़ार बार हुआ था। मतलब रमेश की बुद्धि सनक जाती है और वो एकदम चटक जाता है कि ऐसा है हॉली, पहली फुर्सत में यहाँ से निकलो। पर ऑर्डर कहती है, नहीं ऐसा तुम नहीं बोलोगे उसको, उसकी गलती नहीं है, ये मेरी गलती है। अब रमेश को डर लग रहा था कि कहीं ये हॉली के साथ ना चली जाए, क्योंकि ये दोनों ही फूका हुआ प्यार करते थे। और रमेश ये भी कहता है कि अगर उसको ये बात पहले मालूम होती तो वो ये तीन की तिगड़ी बनाकर अक्कुम अक्कुम नहीं करता, क्योंकि जाहिर सी बात है वो ऐसे इंसान के साथ क्यों ही अक्कुम अक्कुम करेगा जिसकी नजर उसकी बीवी पर हो, वो भी जिसके साथ प्रॉपर रिलेशनशिप हो, तो वो काफी इनसिक्योर फील कर रहा था। अब हॉली यहाँ से अपने कमरे में चली जाती है और ऑर्डर यहाँ पर उसको एक और सीक्रेट बताती है कि वो कॉलेज में प्रेग्नेंट हो गई थी, फिर उसको मजबूरन वो पाप करना पड़ा, नन्ही सी जान को इस दुनिया में नहीं आने दिया। तो रमेश भाई सबको ये बात इतनी खास नहीं लगती। रमेश कहता है, हाँ मुझे मालूम था कि हमारा बच्चा इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि तुम्हारी तरफ से कोई कमी है, मैं 2 महीने पहले ही अपना चेकअप करा चुका हूँ और डॉक्टर ने कहा था कि तुम्हारे प्रोटीन में वो दम है कि तुम किसी का भी भटूरा फुला सकते हो, दिक्कत तुम्हारी बीवी के अंदर है। मतलब जिस बात से उसको गुस्सा होना चाहिए था उस बात पे भाई साहब रिएक्ट नहीं करते, और भाई साहब हॉली को लेकर इतना सीरियस है कि मेरी बीवी उसके साथ रिलेशनशिप में क्यों थी, जबकि इन मैडम जी का कॉलेज में ही भटूरा फूल गया था और इन्होंने छोटी सी उम्र में पाप भी कर दिया। खैर दोनों ही समझदार थे, मैच्योर थे, एक दूसरे की चीजों को समझते हैं। रमेश भी समझता है कि वो कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर रहा है, जो कुछ हो गया तो वो क्या ही कर सकता है। फिर अगले दिन हॉली को काफी अच्छे तरीके से बाय करते हैं कि ठीक है जो हुआ सो हुआ। रमेश कहता है, मैं नहीं चाहता कि अब हम लोग कभी दोबारा मिले और ऐसा कुछ भी करें, बाकी मुझे तुमसे कोई भी दिक्कत नहीं है और जो भी मैंने कल रात बोला उसके लिए सॉरी। पर अब हॉली यहाँ से चली जाती है। और अब 2 महीने बाद सबसे यहाँ पर रमेश को बताता है कि उसकी काउंसलर ने मेरी पीवी मरीन को राय दी है कि सुन तेरा पति ऐसा बोल रहा है वैसा कर। तो मरीन अब ऐसे ही कुछ कर रही है, तो इन दोनों के बीच भी सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया। और एक खुशी की बात यह है कि ऑट्रा भी प्रेग्नेंट हो चुकी है। यही पर ये मूवी थी एंड हो जाती है। इस मूवी से हमको यही सीखने को मिला कि अगर आपको ऐसा लगता है कि सामने वाले के बारे में आप सब कुछ जानते हो तो ऐसा नहीं है। आपको लगता है कि वो खुली हुई किताब है, पर आपने अभी तक सिर्फ उसके एक दो पन्ने ही पढ़े हैं।
तो ऐसी लड़कियों से थोड़ा सावधान रहे। और आपको क्या लगता है कि हमारे हफ्सी सब्सी ने सही किया उसकी बीवी के साथ? क्या उसका अपनी सोती हुई बीवी के ऊपर अपना हंटेला चलाकर अपना प्रोटीन का छिड़काव करना गलत था या फिर सही था? आप लोग खुलकर कमेंट में अपनी राय बता सकते हो, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई देता हूँ। तो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, सब्सक्राइब माई चैनल नाउ। बस।